कुछ लोग दिन दहाड़े जेसिप लेकर वो असूर खाना का मस्जिद का मसूर खाना तोड़ डाले, वो लोग पूरा टोटली निकल दिया उधर। दलित सिंह इनके साथ है, ये नीली शाल इनके साथ है, पूरे टीम हम इनके साथ हैं। ये वक्फ ऑफिसर जो लेटर दिए पुलिस कमिश्नर, ये लेटर के हिसाब से इनको नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर तुम मत करो उधर। पुलिस कमिश्नर जवाबदारी निर्तंत्र है, पुलिस बंदोबस्त नहीं नहीं तुम नहीं करना। वो लोग ज्यादा है, वो लोग उनका स्ट्रेंथ जाती है, वो श्रीमंत है, वो हिंदू है, वो लिंगायत है, ये छोड़ दो। अल्ली ऊरोळगिद्दंत कंबार कुंबार हूगार समगार सबको जय भीम, जय टीपू सुल्तान, मैं हनुमंत एलसंगी, स्टेट प्रेसिडेंट दलित सेना। हम पूरा मेरे साथी अशरफ, यूथ प्रेसिडेंट दलित सेना डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एंड चांद हमारी पूरी टीम, समीर, हम अभी गुलबर्गा के आवाम के सामने मैं आ रहा हूँ अभी। गरूर अफजलपुर तालुका में एक छोटा सा गांव है, गरूर भी गुलबर्गा तालुका में अफजलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता हूँ, मिनुजगी पंचायत व्याप्ति। वहाँ दो तीन साल का एक मस्जिद कम असुर खाना एक प्लेस है, वहाँ बहुत सालों से वो लोग पूजा करते आ रहे हैं उधर। तो रिसेंटली जो हमारे इंडिया में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, हिंदू की कुछ लोग आरएसएस माइंडेड मनुवादी के सोच के रखने वाले कुछ लोग, कुछ गड़बड़ कुछ एक्टिविटी, दलित हुए या मुसलमान उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनका मस्जिद में घुसना, मस्जिद तोड़ना और समाज में अशांति फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वही काम अभी जो लास्ट मंथ 11/6/2023 को जो बिदनूर, अपना बिदनूर के बगल में वो जो गांव आता गरूर भी, वहाँ एक भी घर मुसलमानों को नहीं, उधर वहाँ है असुर खाना, मस्जिद कम असुर खाना और चिल्ला मोलाली का एक मस्जिद भी उधर। उस जगह पर ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये असुर खाना मस्जिद कम असुर खाना, ये टोटली गांव की सेंटर में है, गांव की बीचों बीच में है। वहाँ की जो असुर खाना की जो भी मुस्लिम धार्मिक विधि विधान होता है, वहाँ की हिंदू के लोग करते उधर, वहाँ की लिंगायत के बड़े का जो बोलते हैं वही लोग वहाँ की देखभाल करते हैं, पूजा पुनस्कार करना, जो वो मस्जिद को देखना और जो मुहर्रम और रमज़ान जैसा भी मुस्लिम त्यौहार आते हैं उसमें वही लोग ये कर देते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। और उस गरूर भी में अगल बगल के जो लोग है बिदनूर के कुछ लोग, वही लोग वहाँ जाना, जो भी जो पद्धति है आचरण करने के लिए वो लोग जाकर ये कर देते उधर। वहाँ की जो असुर खाने की जो प्रेसिडेंट है सैयद साहब तंदे दक्षिण, उनका फादर दस्किर साहब, वो तो बिदनूर का है, वहाँ का मुतावली है उधर, वही देखभाल करता है। ये जो बिदनूर में जो 11/6/2023 को वहाँ की जो कुछ धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम से हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो कोशिश किए उधर, वो लोग कुछ लोग दिन दहाड़े जेसिप लेकर वो असुर खाना का मस्जिद का मसूर खाना तोड़ डाले, वो लोग पूरा टोटली निकल दिया उधर, वहाँ से निकल के फेंक दिया उधर। वहाँ की जो पंजा होता है, पंजा एंड असुर खाना के जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जो जितना भी जो उनका कागजात है, सब जला कर फेंक दिए वो लोग। और दो तीन केजी चांदी का कुछ सामान, पंजा गिंजा जो कल मोरम आता है, आलम जो अलाब के लिए जो ये कर देता, वो सब चोरी करके लेकर गया होगा। ये लोग ये प्रॉपर्टी वहाँ के जो सैयद साहब ने वक्फ ऑफिसर को कंप्लेंट देता था कि यहाँ हमारे गांव में जो गरूर भी में कुछ लोग 4-5 लोग जो असुर खाना का मस्जिद तोड़ डाले, इनके ऊपर एक्शन लो बोल के ये कंप्लेंट वक्फ ऑफिसर को लिखने के बाद वक्फ ऑफिसर
प्रताप इंस्पेक्टर को लेटर लिखता कि कंप्लेंट, ये लोग वहाँ के जो मस्जिद थोड़े उनके ऊपर एक्शन लेवल, जो वक्फ ऑफिसर के हिसाब से जो वहाँ के मुतवले सैयद साहब, वो सैयद साहब बुलाकर वहाँ कंप्लेंट लार्ज होता चार पाँच गाँव के कुछ चार पाँच लोगों के ऊपर। फिर वही लोग वहाँ की जो लोकल लीडर को लेकर, लोकल लीडर के ऊपर प्रेशर डाल के पुलिस कमिश्नर DCP एंड वहाँ के इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर के ऊपर दबाव डाल के इन लोगों के ऊपर जो लड़ रहे हैं ये जगह इलीगली इनको कंस्ट्रक्ट तोड़ डाले, उनके ऊपर एक्शन लोग बोल के ये लोग घूम रहे हैं, DC ऑफिस जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं लोग, एंड तहसीलदार के पास गए उधर, इंस्पेक्टर फरताबाद के पास गए लोग, हाँ और ACP और रूरल के पास गए लोग, इन्हीं लोगों के ऊपर सेडेशन के केस डाल देते, देशद्रोह का आरोप केस डाल करके इनके ऊपर सीरियस केस कर देते हैं। वहीं क्राइम नंबर 82 इनके ऊपर केस हो जाता, क्राइम नंबर 81 में उन लोगों के ऊपर केस होता सिंपल केस। तो हमने पुलिस कमिश्नर और हमने DC के पास इन लोग सब लोग सबको लेकर दलित सेना की पूरे टीम DC के पास गए थे। DC मैडम से हमने बताया, मैडम जी ये देखिए वक्फ प्रॉपर्टी है अफजलपुर का, श्री लंब अफजलपुर वक्फ ऑफिस में इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ मस्जिद कम असुर खाना, वो तो सीरियल नंबर 403 में एंट्री है, वो थोड़ा देखिए कुछ गद्दार लोग आके इनको डरा के ये तोड़ डाले, इनको ऊपर एक्शन लेना बोल के। मैडम ने तहसीलदार से बात किया, तहसीलदार ने कमिश्नर अपना इंस्पेक्टर फरताबाद से बात करके ये जो हमारा है जगह चिल्ला मौलाली एंड मस्जिद कम असुर खाना ये इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए बोल के उसने फिर वो तहसीलदार इंस्पेक्टर से बात करवा के वहाँ इन लोगों को कुछ जो आज से शुरू होता मोहरम हाँ आज से मोहरम शुरू होता जो आज गुदली जानते ना गुदली बेड़ा बनती हुई ये आज इनका धार्मिक प्रोग्राम शुरू करना है। वहाँ के लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले सोच के लोग इनको धमका रहे, तुम अगर हिम्मत है तो तुम आकर देखो बोल, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। कल इंस्पेक्टर फरताबाद इन लोगों को साथ समझौते के लिए बुलाए थे तो उन लोगों को बोलता कि तुम तलवार लेकर आते आज लेकर आओ, दो लकड़ी दो दो, दो लाठी लेकर आते लेकर आओ, हम सब तुम लोगों को देखने के लिए तैयार है बोल के। पुलिस स्टेशन जब इंस्पेक्टर इनको बुलाते हैं, हमने कंप्लेंट अपने मेमोरेंडम DC एंड ACP एंड पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा एंड DCP गुलबर्गा इन सबको कंप्लेंट देने के बाद, मेमोरेंडम देने के बाद इंस्पेक्टर इन लोगों को बुलाते हैं कि आइए बात करेंगे बोल के। ये बात करने के जो वो लोग पुलिस स्टेशन में रहते हैं कुछ लोग वहाँ की जो गरुड़ भी के कुछ लोग इनको धमकी देता पुलिस स्टेशन में, वहाँ की CCTV फुटेज देख रहे हैं हम लोग पुलिस स्टेशन में, हम सब तरफ सब 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 के लिए तैयार है, लाठी से लेकर तलवार से लेकर हम रेडी है, हिम्मत है तो आप बोल के धमकी दे रहे हैं। हमने DC मैडम से बात किया, मैडम ये प्रॉपर्टी है वक्त प्रॉपर्टी है, उनका पूरा लेटर से हमारे पास है डॉक्यूमेंट से, और वक्फ ऑफिसर ने और पंचायत में इनका नाम भी एंट्री भी है, पंचायत कंस्ट्रक्शन परमिशन भी लिए लोग, और वक्फ वो ऑफिसर ने नूर पाशा पुलिस कमिश्नर लेटर लिखता 22/6/2023 में वो पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट लिखता था, और सैयद साहब ये 13/6/2023 को वक्फ ऑफिसर लेटर लिखता, प्रोसेस 1 महीने से चल रहा है, अभी तक गुलबर्गा की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया। इदाद नंतर नावेन हेळिदीवि हमने DC से बात किया, पुलिस कमिश्नर से बात किए, और ACP से बात हो गया, पुलिस अपना इंस्पेक्टर बर्ताबाद से बात हो गया। ये पुलिस कमिश्नर से सब लोग क्या बोले, हम जो हमारा जगह है वक्फ प्रॉपर्टी किसी बाप का नहीं है, मुसलमान समाज के लोगों के लिए है, वहाँ सब हिंदू भी वहाँ वो अपना मोहरम ये धार्मिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होता और मुसलमान सब लोग हो जाते हैं, गांव की प्रॉपर्टी हो, किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ गद्दार लोग हो दिन दहाड़े गुंडागिरी से तोड़ डालता, JCP सीज करना था, जो गद्दार लोग तोड़े उन लोग उनको ऊपर एक्शन लेकर उनको अरेस्ट करके जेल भेज रहा था पुलिस डिपार्टमेंट, वो नहीं किए। हमने DC गुलबर्गा मैडम से बात करने के बाद उसने पुलिस कमिश्नर से और तहसीलदार से बात करी तो पुलिस डिपार्टमेंट हमें अश्योरेंस मिला, नहीं आप हमने पुलिस डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन भी दी, मेमोरेंडम दिए,
तो हमें बंदोबस्त करो, पुलिस बंदोबस्त करो, हम हमारे प्रोग्राम को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। पुलिस कल तक क्या बोले थे, हम बंदोबस्त करेंगे, आप चिंता मत करिए बोल के, और हमारा पंजा लेकर गया, लेकर जाके किसी और के घर में रखे वो लोग, ये इलीगल, टोटल इलीगल, किसी अन्य धर्म के ऊपर दबाव है, किसी अन्य धर्म के ऊपर गुंडागिरी है। तो इदक्कागि नावु इवत्तेनु माड्कोत्तिद्वि, ये वक्फ आफीसर को सैयद साहब ने कंप्लेंट लिखने के बाद इसने आज 19/7/2023 सैयद साहब को वक्फ आफीसर एक लेटर लिखा, आप तुरंत आप जाके पुलिस डिपार्टमेंट से जो बंदोबस्त के लिए एक परमिशन ले लीजिए बोल के। और वही वक्फ आफीसर आज ही जिला वक्फ आफीसर जिला पुलिस कमिश्नर लेटर लिखता, हम सालों से प्रोग्राम, ये जो मुस्लिम धार्मिक विधि विधान, मुहर्रम, रमजान, जैसे भी जो भी प्रोग्राम होता हम वहाँ गांव में आचरण माड़कोत बंदिदीवी, सूक्त पुलिस बंदोबस्त नहीं माड़ी, आप पुलिस बंदोबस्त माड़ो, आप डायरेक्शन दो बोल के वक्फ आफीसर ये पुलिस कमिश्नर को आज लेटर लिखाए। और इंस्पेक्टर प्रताप बदनोरो, नहीं हमें पुलिस कमिश्नर 144 लागू करने के लिए आर्डर दिया साहब, हम वहाँ कर्फ्यू लगा रहे बोल के। नाव केळ्तिदीवि कर्फ्यू यारिगे माड्तिदिरि नीवु अंत हेळिके, नहीं नहीं वो सब गांव में कोई मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान की ये दो गांव के बीच में है इसलिए उसको तकलीफ हो रहा है, वो 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 असुर खाने के बगल में वीरभद्र सर टेम्पल है, वो टेम्पल के लिए जो टेम्पल के सामने ये असुर खाना कम मस्जिद है, ये लोग आके बकरी काटते हैं, वो लोग पूरी कटते रहा, कोड़ी कटते रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहे। दो सौ साल से 200 वर्ष आचरण माड़को बंद हब्ब, अब तुमको तकलीफ हो रहा है, यार में एक्शन तुम डिपार्टमेंट करो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ऊपर एक्शन लेना, जो गद्दार कर रहे, जो गुंडागर्द कर रहे, उनको उनको ऊपर एक्शन लेना, अदू बिटे तुम भी नहीं करना, तुम भी नहीं करना, उनको क्या जरूरत है। वो लोग ये जो आरएसएस में संघ परिवार की सोच के लोग ई ऊरोग मुसलम हब्ब आचरण आगबार्द, ई ऊरोग मुसलमान मसीद इबार् गरूर बीदोग ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಡೆ, ಅವರು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉನಿಕೆ ಉನಿಕೆ ಭಾಷೆ ಮಾತು ಕರೆಯೋದು, ಅಗರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉನಿಕೆ ಪಾಸ್ ಕುಚ್ ಭೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀ ಜೋ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಕರ್ದಿ ತೋಡ್ದಾಲ ಉನ್ಕೆ ಪರ ಉನ್ಕ ಒಂದೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ರ ಅಭಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಲೇಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲೇಕರ್ ಸಬ್ ನೈ ನೈ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನದ್ರಾಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದಿನಲ್ಲ ಎರಡಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಬ್ಬಗಳು, ಕೊಯ್ಯಿ ಗುಂಡ ಹಾಕಿ ತೋಡ್ದಲ್ತ, ಹಾಂ ಕುಚ್ರು ಹಾಕಿ ಏ ಕರೆದಿತ್ತ, ತೋ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೋನು ಏ ಕರೆದತ್ತ ತುಮಕು ದಂಗ ಹೋತೋದ, ಈ ದೋನು ಭೀ ನೈ ಕರ್ನ ಹಮ್ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಾಗು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ದಬಾಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಇವ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರೊಳಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ದಲಿತ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಕರೋ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಜ್ ಬೋಲ್ದತೆ ಕಿ ಹಸುರು ಖಾನ ಗಾಂವ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ತುಮ್ ನಿಕಲ್ದು, ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ನೈ ನೈ ತುಮ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯಾರು ಇರೋಣ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಕಡೆ ತೋಡ್ದು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಸಾ, ಇದು ಓಪನ್ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಯಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇ ಹೋಗಯಾ ಅಭಿ ತೋಡ್ದಾಲೆ ಅವ್ರು, ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಜ್ ಇವತ್ತು ಗುದ್ರಿ ಬೀಳ್ತಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಗುದ್ರಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಗುದ್ರಿ ಬಿದ್ದು 5 ದಿನ ತನಕ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ದಿನ ಮೊಹರಂ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, 5 ದಿನ ತನಕ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದು, ಹಾಡು ಅಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡೋದು, ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಜ್ ಆಸೆ ಶುರು ಹೋನ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಕ್ ಆಫೀಸರ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಲೆಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಯ್, ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಮೇ ನೈ ದಮನ, ನಮ್ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ದಬ ಸವಾರ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಓ ಸಮಜನ ಚಾಯಿ ಜೋ ಆಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬಿಟ್ಟು ಏಜೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ತಾ ಇರೋರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ಕೋ ತುಮ್ ನೈ ಕರ್ನ ಬೋಲ್ಕೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಏ ಅಪ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪರ್ತಾವದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೆಳ್ಕುಂದ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ, ಮೆಳ್ಕುಂದ ಬಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೂ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 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 ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊರಂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗರೂರು ಬಿ ಗ್ರಾಮದ
सतमुत मुसलमान वंदुत कार्यक्रम बिटुदे बिटु अरे 100% मनुवादी लोग इवर जग कब्जा मी अल्पंद्र तम सुप्रदार इू भयानक वातावरण इलाक इवद कारणकू आगबार् दलित आगेबू मुसलमान आगेबू हिंदू आगेबू ब्राह्मण आगेबू और धार्मिक पद्धति आचार विचार पद्धति संस्कृत और जो आचरण बिड़े ना इू हत्यामी लास्ट मूमेंट तक हम लड़ने वाले है आखिरी मूमेंट तक ये पूरा टीम हम वही बोले दलित सिंह इनके साथ है, ये नीली शाल इनके साथ है, पूरे टीम हम इनके साथ है। ये वक्फ ऑफिसर जो लेटर दिए पुलिस कमिश्नर, ये लेटर के हिसाब से इनको नहीं बोल रहा हूँ पुलिस कमिश्नर तुम मत करो उधर। पुलिस कमिश्नर जवाबदारी ऐन पुलिस बंदोबस्त मेल यार मग गुंडगिरी मल बंद वोलस पुलिस डिपार्टमेंट बिट नहीं नहीं तुम नहीं करना, वो लोग ज्यादा है, वो लोग उनका स्ट्रेंथ जाती है, वो श्रीमंत है, वो हिंदू है, वो लिंगत है, ये छोड़ दो। अल ऊर कंबार कुंबार हूगार समगार वलर मादर बेरे बेरे जाति जनांग अलांत कायक इवर कड़ता मेनप गुड़ी वी मसीद वी आ मसीद सामान मसीद पंज मसीद बेली सामान लूटी मोदार पोलिस कई कटी इूदलोग इमिडियेटी नावत हेतवी आजी ये गुद्ली हाको कार्यक्रम इमिडियेटी ये जो अडमिनिस्ट्रेशन जो मेंटेन करने वाले तहसीलदार हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या डीसी हो, हमने सबको लेटर दिए, सब लोगों को लेटर दे के रहे, पुलिस कमिश्नर लेटर दिए, डीसी को लेटर दिए हमने, एसीपी को लेटर दिए हमने, सब लोग एलू लेटर को कंट्रोल सर अद इला देशदा राज्यदल गुलबर्ग जिले मुसलमान ये हिंदू आतंकवादी लोग तक तकलीफ भाला चांसस्व सीरियस आबू ये तो पहले हमने अलिगेशन कर देते बीजेपी के गुंडे लोग बोल देते थे हमने, ये जो बीजेपी सरकार नहीं है, अभी बीजेपी सरकार नहीं है, ये तो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार तो प्रोटेक्शन करना उनका धर्म है, कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार दलित मुस्लिम रक्षक अंत कांग्रेस सरकार और कांग्रेस एम एल भी है, बीजेपी एम एल नहीं है, कांग्रेस एम एल भी है, एम एल एम एल कर्तव्य आगत अल दंगा आगे नोडू पुंडगिरी माता यहा गुंडगिरी माता एम एल खाली हम आके मुसलमान के रक्षा हम करेंगे, दलित के रक्षा हम करेंगे, हाँ वो बीजेपी आए तो दंगा होता, एक आके घंटा दंगा होता, कौन कर रहा है अभी दंगा, तुम किसके राज में दंगा हो रहा है, यही कांग्रेस के राज में दंगा हो रहा है ना, अभी मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है ना, अभी कोई आतंकवादी हिंदू आतंकवादी हिंदू के नाम से जो गुंडागर्द कर रहा है तो कोई भी होना, उनको लात मार कर जूते से मार कर उस हरामजादे लोगों को समाज घातक शक्ति हाकता गुलबर्ग पुलिस नाक नावी। इसलिए हम आपसे एला मीडिया के सामने ना बंदी हेल्ता पूरा डाक्यूमेंट्स होने के बाद भी तुम्हारा नहीं है, तुम निकल जाओ बोल के ओपनली वो आके मस्जिद तोड़ देते उन लोगों का, हिम्मत कौन दे इतना हिम्मत उसको, अदे ये गुंडागिरी नहीं चलना। पुलिस ऐनप ये भी जो जो वहाँ की बिदनूर भी गांव के जो है मुतावली एंड वहाँ देखभाल करने वाले पूरा गरुर भी के गांव में जो आज प्रोग्राम होने जा रहे हैं पुलिस बंदोबस्त करना, हम उनके साथ है, उनके साथ लड़ेंगे, अगर कुछ भी होता तो उनके जिम्मेदार गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता बोल के मैं वार्न करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जय भीम जय टीपू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय टीपू सुल्तान। आज एक अफसोसनाक खबर जो के गरूर बी में जिन लोगों ने जिन हिंदू नाम खराब करने वाले आतंकवादियों ने मस्जिद और आशिर खाने को शहीद किया है, मैं एक तो जो शहीद करे उसका बहुत अफसोस है, दूसरी खुशी इस बात की है हमारे पूरे हिंदू भाई दलित भाई सब मिलकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसको 200 साल से वो लोग मनाते आ रहे हैं, मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो हब्बा है, ये जो ईद है, ये नॉन मुस्लिम लोगों की ईद नहीं है, ये मुसलमानों की ईद है, लेकिन हमारी भाईचारा देखिए, हमारा यूनिटी देखिए, हर कौम के लोग एक दूसरे के साथ में खड़े रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर
मुस्लिम कम्युनिटी के घर नहीं रहने के बावजूद भी मस्जिद की हिफाजत और आशिर खाने की हिफाजत करने वाले कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं, यही हमारे हिंदू भाई हैं, यही हमारे दलित भाई हैं, यही लोग मिलजुल कर वो एक त्यौहार को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए, जिनके मस्जिद को शहीद किया गया, जिनके आशिर खाने को शहीद किया गया, और उसी के साथ ही साथ चांदी जो 2 से 3 किलो चांदी और बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्स लूट कर ले गए, उन लुटेरों के ऊपर केस करने के बजाय इन लोगों के ऊपर केस किया है। आप लोगों के ऊपर शर्म आ रही है हमको, इसीलिए आप लोगों का काम बनता है, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, आप लोग अपनी ड्यूटी निभाएं और इनको सपोर्ट करें। भाईचारा को कायम रखने के लिए आप लोग सपोर्ट करना ज़रूरी है, ना कि 144 लगाकर उनको अलग इनको अलग डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लुटेरों को आपको सलाखों के पीछे डालना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर एक बार अपील करता हूँ, वहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। और इन सब के पीछे ये नहीं समझो कि कोई नहीं है, इनके पीछे दलित सेना संगठन और हमारे कायद कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत जी एलसंगी साहब और पूरी दलित सेना की टीम इनके साथ शाना बाशाना खड़े रहेगी। और मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने हर कम्युनिटी के लोग मिलकर एक मुस्लिम कम्युनिटी को और जो मुहर्रम का त्यौहार आता है उसको लेकर चल रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिला और तालुका गरु कलबुर्गी तालुका मत गरूर बी ऊरा ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದದ ಪಂಜೆ ಹಿಡಿಯೋ ಟೊಂಕ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಮಸೂತಿ ಹೊಡೆದಾರ. ಅವು ಆಲಮ್ಗಳು ಪಂಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿನತ್ಲಿಂದ ಚಾ ಮಾರಿ ಗಳಿಸಿ ಅದು ಪಂಜಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಚಿತ್ತಾಪುರದಾಗೆ. ಈಗಂದರೆ ಯಾರು ಪೂಜರ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಾರ್ದೆ ದಿನದಾಡಿ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ತಾಬ್ಯದಾಗ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಚಾಂದಿ 2 ಕೆಜಿದು ಅದು ಒಂದು ಪಂಜಿ ಅವ, ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ಕುದುರೆ ಅವ, ಆಯಿತು ತೊಟ್ಟಲ್ಗಳವ. ಅವು ಯಾರು 11 ತೊಲಿ ಯಾರು 21 ತೊಲಿ ಅವ್ರ ಮನ್ನತ್ ಪೂರ ಆದ ಮೂಲಕ ಏರ್ಸಿವವ. ಅವು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಮೊರಮ ಆದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕ ದೈದವರು ಪಂಚರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ತಿ ಅದು ಇಷ್ಟಿಟ್ಟದ ವರ್ಷಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಏರ್ಯದ ದೇವ್ರ ತೆಳಗಂತೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೋ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟಾರ. ಏನು ಈಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ತಿರ ಬರ್ರಿ, ನಾವು ನಿಂಗಜ್ ಸಮತ್ತು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು, ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಅದ, ನಮ್ಮ ಪೂಜರ್ಗಳು ಕಾಲನ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆಯವ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದದ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೈಯದ್ ಒಂದು ಮೌಲ ಲಾಭಂದವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವು 2 ವರ್ಷ ನೀಡ್ದು ಅವ್ರು ಅವಂದು ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲೇನೇ ಅದ, ಮತ್ತೂ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಾರ್ದು ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫರ್ತಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವರು 27 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹರಿಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಗೈರ್ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಇದು 24 ಗಂಟೆದಾಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹರಿತಾರಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನಮಗೇನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾವಲಿ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಳಿ ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡ್ತೇವ್ರಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ.